आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से लाइन पर रामलीला मैदान में महासम्मेलन का आयोजन रविवार को किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा, प्रदेश मंत्री नागेंद्र सिंह तोमर, विभाग प्रभारी डॉक्टर एनपी सिंह के अलावा समस्त प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माँ के चित्र पर माल्यार्पण करके की गई। अशोक सिंह ने प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए हिंदू हित के कार्य करने की बात कही। डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा ने प्रदेश सरकार की योजनाओं को सुपात्र तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम की सराहना की। महासम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना की। युवा शक्ति से देश हित में चेतन व कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार भारती, जिला संयोजक अंकित शर्मा, रविन्द्र सिंह, शांतनु दीक्षित, पोपटलाल, अनुप मिश्रा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जीरो पॉइंट से कार्यक्रम स्थल तक भव्य स्वागत किया गया। प्रकाश नगर चौराहे से गुजरने वाले काफिले में शामिल सैकड़ों गाड़ियों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। थोड़ा सही है, बहुत बढ़िया जी। आज का आज आने का क्या विशेष? संभाग प्रभारी बरेली मंडल मुरादाबाद। आज हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक गोरक्षक पीठ के पीठाधीशर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में चलने वाली हिंदू युवा वाहिनी की पूरे प्रदेश में गठन और सक्रियता के नाते हम सबको दायित्व दिया गया है अपने अपने संभाग में जाकर के प्रत्येक जनपदों में संगठन के विस्तार को शुरू किया। उसी के निमित्त मैं आज मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद में आकर के संगठन के बिंदुओं पर चर्चा करके अपने पदाधिकारी हमारे इस मुरादाबाद मंडल के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह साहब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, जिनके कंधों पे इस मुरादाबाद मंडल की पूरी जिम्मेदारी है कि अपने सारे जनपदों में प्रभारी, संयोजक, अध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर तक के संगठन को मजबूत करके हिंदू युवा वाहिनी को मजबूत करके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे दाहिने बाएं तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और बुंदेलखंड के प्रभारी हैं। आपको बुंदेलखंड की जिम्मेदारी दी गई है। संभाग के प्रभारी के रूप में आप बुंदेलखंड में अच्छा काम कर रहे हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर के हम लोग संगठन को मजबूत करने में महाराज जी की मंशा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में क्या यह मीटिंग के द्वार मतलब चप्पलों से पिटाई हो रही है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस उत्तर प्रदेश के सुयोग्य मुख्यमंत्री के रूप में इस उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो सम्मान्य माननीय हैं, वो उनकी हो सकता है कुछ इन स्वार्थों में इस तरीके से मनसा है उनके लोग चप्पलों से मारे तो आम जनता में क्या है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हम एक सांस्कृतिक संगठन के व्यक्ति हैं, एक सामाजिक संगठन के व्यक्ति हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन निष्ठावान से पाए। 2019 के चुनाव में क्या कहना? 2019 के चुनाव में इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनेगी और भारत जिस तरीके से चौतरफा उन्नत कर रहा है उसी दिशा में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करते हुए हम इस भारत को विश्व के मानचित्र पे सर्वोच्च स्थान पे ले जाने का प्रयास। राम मंदिर के बारे में क्या? राम मंदिर तो बनेगा और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है ना सुबह है। हम सब राम मंदिर के प्रति समर्पित हैं और राम मंदिर के प्रति आश्वस्त हैं कि वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में ही बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा।